एवरी वन, वेलकम टू आई एस पॉइंट। दिस इज शिवानी सक्सेना, होप यू आर वेरी वेल। सो इस आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 का पार्ट नंबर 3। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि लास्ट वीडियो में हमने जाना था परमाणु संख्या के बारे में, ठीक है, एटॉमिक नंबर्स के बारे में हमने जाना था काफ़ी अच्छे से। उसको जेड से प्रदर्शित किया जा सकता है और उसके कुछ ऐसे तत्व होते हैं जैसे हाइड्रोजन, कार्बन और सोडियम वगैरह होते हैं। तो जो उसकी परमाणु संख्या जो जेड होती है, जैसे कि हाइड्रोजन का 1 हो गया, कार्बन का 6 हो गया, सोडियम का 11 हो गया, तो ये सारी नॉलेज काफ़ी अच्छे से आपको होगी। आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं द्रव्यमान संख्या के बारे में। आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं। सो आपको पता है कि जो भी आपका, अगर बोला जाए कि एक परमाणु के जो भी नाभिक हैं, नाभिक में जो भी मौजूद जो भी प्रेजेंट उसमें प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, तो उनकी जो कुल संख्या का योग होता है उसको द्रव्यमान की संख्या बोलते हैं। लाइक ऐसा उदाहरण के लिए आपको बताया जाए सोडियम, ठीक है, सोडियम को किससे प्रदर्शित करते हैं, Na से, मतलब उसमें प्रोटॉन की संख्या 11 होती है और जो न्यूट्रॉन होता है उसकी संख्या कितनी होती है, 12 होती है। ये यहाँ पे आपको समझ लेना है। अगर द्रव्यमान की जो टोटल संख्या है वो कितनी होगी, 11 और 12, तब आप इसको काउंट करेंगे तो आंसर आएगा 23। कितना आएगा आंसर, 23। तो क्या है द्रव्यमान की टोटल संख्या है। अगर किसी तत्व को आप कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं, मतलब किसी तत्व को आप प्रतीक चिन्ह द्वारा कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं, तो जैसे कि आपका ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन को किससे प्रदर्शित करते हैं, ओ से, ठीक है, तो 8 और इसका तब डबल हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसका ऑक्सीजन को, और जो एलुमिनियम है एलुमिनियम को हम प्रदर्शित करेंगे Al, और आपका 13 होता है इसका, और जो परमाणु संख्या होती है वो 17 होती है, तो कितना हो गया। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। होप आपको काफ़ी अच्छे से समझ आ रहा होगा। चलिए आगे चलते हैं, जान लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। देखिए समस्थानिक, आखिर ये क्या होता है इसके बारे में अगर बात करें तो आपको पता चलेगा, जो एक ही तत्व के, मतलब जो परमाणु होता है जिनकी परमाणु संख्या क्या होती है, समान, मतलब जो अगर बोला जाए, परंतु जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान की जो संख्या होती है वो भिन्न होती है, मतलब एक तरीके से भिन्न होती है, अलग अलग होती है, ठीक है। तो हम उसे क्या बोलते हैं कि समस्थानिक हम इसे बोल सकते हैं, और इसे बोला भी जाता है। ये से आप यहाँ पे इसकी डेफिनेशन को याद रख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर बात करी जाए हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन के कितने होते हैं, हाइड्रोजन के स्थानिक कितने होते हैं, समस्थानिक हाइड्रोजन के कितने होते हैं, 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो ये यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन के कितने होते हैं, 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है आपका जैसे प्रोटियम हो गया, और एक होता है ड्यूटेरियम हो गया, और एक आपका टाइटेनियम हो गया, और इनको प्रदर्शित भी अलग अलग से किया जा सकता है। जैसे प्रोटियम का किससे, प्रोटियम का जो किया जाता है वो आपका 1H से किया जाता है, 1H1 से किया जाता है, और जो आपका ड्यूटेरियम होता है तो उसको आप H2H1 से प्रदर्शित कर सकते हैं। अब आपका जो ट्राइटेरियम होता है तो ट्राइटेरियम को आप 3H1 से प्रदर्शित कर सकते हैं। ये यहाँ पर आपको समझ लेना है। और कुछ ऐसा क्लोरीन का भी होता है, तो क्लोरीन का जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं, तो अगर क्लोरीन के बारे में बात करें तो क्लोरीन का 2 होता है, जैसे कि आपका Cl हो गया, ठीक, जैसे 35 Cl हो गया, ठीक है, 35-17 हो गया आपका। अगर 37 Cl तो इसका भी 17 माना जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर इसे समझने की कोशिश कर सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक आता है आपका शंभारिक, तो शंभारिक जैसे कि अगर इसके बारे में बात करी जाए, इसकी डेफिनेशन आप लोग सुनेंगे तो काफ़ी आपको ऐसा लगेगा कि हाँ काफ़ी इजी है, और वाकई में इजी है, तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर बोला जाए अलग अलग जो संख्या वाले जो भी तत्व होते हैं, तत्वों में जो भी बोला जाए अलग अलग परमाणु होते हैं, परमाणु की जो संख्या होती है, परमाणु संख्या वाले तत्वों को जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है उसे संभारिक कहलाता है, ठीक है, उसे संभारिक बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन है काफ़ी इजी है। अगर इसके एग्जांपल की बात करी जाए तो कैल्शियम हो गया और आर्गन हो गया, कैल्शियम को हम सी से प्रदर्शित करते हैं और आर्गन को Ar से प्रदर्शित करते हैं। और अगर इसका बोला जाए इसको कैसे बोलेंगे हम, जैसे कि 30 और आर्गन का क्या होगा 40 Ar और 18, तो इस तरीके से आप इसको प्रदर्शित कर सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। होप आपको काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा, और आप लोगों का चैप्टर फिनिश हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे
फाइव चैप्टर के बारे में। फाइव चैप्टर का नाम है आपका जीवन के मौलिक इकाई। आखिर क्या होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, और इसीलिए आपको ये चैप्टर मैंने आपसे पहले बोला था कि आप इसको पढ़ लेना काफ़ी अच्छे से, तब मैं पढ़ाऊँगी तो आपको काफ़ी ईजीली समझ आएगा। सो आज आपका नेक्स्ट वीडियो में मैं कल से स्टार्ट करूँगी आपका फाइव चैप्टर। और अगर फोर चैप्टर में कोई भी डाउट है, वन में, टू में, थ्री, फोर कोई भी डाउट है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में क्लियर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।